पाकिस्तान आज की डेट में वहां से एक लीडर है जिसका नाम है बाबर आजम। तुम्हारे पास कौन है? रोहित शर्मा। उनकी आंखों से देखा है वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि पाकिस्तान की टीम किस तरीके से जिम्बाब्वे के हारने के बाद, हमने मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, इसके लिए लड़ेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी फैसिलिटी है, कोई बात तरीके से जान छिड़कते हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, नसीम शाह, जितने रिजवान बाबर के ऊपर, जगह मिट्टी पलीत, हर जगह लाग दे जहन्नुम। इतनी बेशर्मी और ढीठ बना किसी और टीम में नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम जो कट्ठी खेलती भी नहीं इतना, कोई उस लीग में खेल रहा है, कोई इस लीग में खेल रहा है, उन्होंने तुम्हें भरता बना के कचूकर बना के बोला के बैठ बैठा, बताता तुझे क्रिकेट खेला कैसे जाता है। बत्तीसियां दिखाने से क्रिकेट मैच जीते जाते, चौड़े होने से क्रिकेट मैच जीते जाते, 10 साल से कुछ नहीं जीते, अब तो अकल लगा लो भाई। उसमें तो डाउनफॉल दिख रहा है अभी, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही इसके अंदर। डाउन से तुम्हें डिपेंड करेंगे, तुम टॉस जीत के बैटिंग लेके मिट्टी फलीत 165 8 विकेट से हारते हो तुम मैच। डिसाइडर, ये डिसाइडर तुमने सीरियसली लिया? ये टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग ली, बैटिंग कहां हुई? डिसाइडर तुमने सीरियसली लिया? वेस्ट इंडीज ने पूरी जान लगा दी अपनी, तुम्हारा घमंड है ना, तुम्हारा जो गुरूर है ना, वो तोड़ेंगे, कदमों में तोड़ेंगे आज। निकोलस पुरा को घेर के बड़ी बातें कर रहे थे ना हार्दिक पांड्या, भी बातें कर रहे हैं, पर ड्रामे कर सकते हो, बाबर रिजवान ने खत्म कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है ना, तुम में कॉन्फिडेंस। वैसे तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। पाकिस्तान आज की डेट में वहां से एक लीडर है जिसका नाम है बाबर आजम। तुम्हारे पास कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का ओवर हाइप करा कौन है? राहुल द्रविड़। इतना ओवर हाइप आपने करा, एशिया कप में क्या हुआ? फाइनल तुम नहीं खेले। बांग्लादेश में क्या हुआ? वनडे सीरीज तुम हार गए बांग्लादेश से। लख दी लानत मैं बोलता हूँ।